हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपको इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानकारी दूंगा कि अगर आपके पास आप अगर सीएससी भेली है और आपने आईसीआईसी बैंक का पीसी ले चुका था और वो बंद हो गया है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक ऐसा मेल आया होगा जो कि अनंत प्रकाश जी के माध्यम से आया है स्टेट टीम एक्सिस बैंक पोर्टल के लिए। एक्सिस बैंक में आपका जो है बीसी कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर दोस्तों आप ये सारे डिटेल्स आपको फिलअप करके अगर आप नहीं भेजेंगे 30/12/2022 के पहले, तो आपका बैंक बीसी हेड ऑफिस के द्वारा बंद कर दिया जाएगा। निकट भविष्य में भी किसी बैंक बीसी उन्हें नहीं मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको ऐसा मेल आया होगा, तो ऐसा मेल आने के बाद दोस्तों क्या करना है, आप बने रहिए मेरे स्टेप इस वीडियो में। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको जैसे आईसीआईसी बैंक बीसी लॉगिन करते थे, उसी प्रकार दोस्तों एचडीएफसी बैंक बीसी का आपको लॉगिन करना है। तो दोस्तों आपको यहां पर टाइप करना है एक्सिस बैंक बीसी लॉगिन, ये क्लिक ये हम डाल के दोस्तों कर देंगे तो कुछ देर में ये ओपन होगा। वह दोस्तों आपको क्रोमो में जाना है और यहाँ पर देख रहे हैं सेटिंग, सेटिंग में आपको जाना है। सेटिंग में आ जाने के बाद यहाँ पर पॉपअप बॉक्स जो है उसको आपको अलाउ करना होता है। जैसे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं साइट सेटिंग में आपको जाना है। साइट सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको पॉपअप साइट एंड रिडायरेक्ट है दोस्तों, इसको आपको ऑल कर देना है। ऑल करेंगे तो दोस्तों आपको यह वर्क करने लगेगा। अगर आपने ऑल नहीं किया है तो ऑल कर दें। उसके बाद दोस्तों आपको इसको ओपन करना है, क्रोम ब्राउजर पे जाना है और इसमें लिख देना है आपको फ्लैग्स। फ्लैग्स लिखने के बाद दोस्तों इंटर करना है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट क्लिक करना है। लोकल होस्ट क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर डिसेबल है तो आपको यहाँ पर इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों रिलॉन्च पर आपको क्लिक करना है। रिलॉन्च पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये खुल जाएगा कुछ इस प्रकार से। ओपन होने के बाद दोस्तों लोकल होस्ट में जाना है, जो अभी हमने थोड़ा देर पहले किया है वो आपको करना है। उसके बाद दोस्तों फिर से कोशिश करेंगे तो आपको एक्सिस बीसी बैंक लॉगिन होगा। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हम कैप्चर पर क्लिक करके दोस्तों बायोमेट्रिक का हमने कैप्चर कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के लिए प्लीज वेट का होगा। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आएगा, जिसको आपको ध्यान पूर्वक से पढ़ लेना है या फिर आप इसे चाहे तो फोटो खींच कर रख सकते हैं। इसमें जो बताया गया है उस प्रकार से आपको फॉलो करना है। तो ये सब है जो कि आपको पढ़ लेना है। पढ़ लेने के बाद दोस्तों आपको, जैसे कि दोस्तों मैं इसमें समझा देता हूँ, एक्सिस बीसी चालू खाते पर शुल्क से बचने के लिए पालन करें। केवल वीएलए डिजाइन किया गया है बीसी चालू खाते खोले। बीसी अकाउंट ओनली बीसी पर्सनल और अदर बीसी अकाउंट, केवल बीसी अकाउंट के लिए इतना है। केवल भी वीएलए डिजाइन किए गए एटीएम का उपयोग करें। कोई भी चेक बाउंसिंग ना करें। जमा करने के लिए सीडीएस के बजाय शाखा चैनल का प्रयोग करें। इस खाते का उपयोग ईसीएम डिमांड ड्राफ्ट के लिए ना करें। सीएससी एसपीवी के अगले निर्देश तक भी पीओ मशीन न खरीदे। डेबिट कार्ड वाले सभी बीसी को अतिरिक्त शुल्क से बचने के लिए डेबिट कार्ड को एटीएम कार्ड से बदलने के लिए शाखा में जमा होना होगा। करेंट अकाउंट एटीएम कार्ड फ्यूचर फॉर सीएससी करेंट अकाउंट फ्यूचर नो एनुअल चार्ज नो मंथली एवरेज बैलेंस चार्ज नो एटीएम चार्ज ओवर ऑल मंथली कैश ट्रांजेक्शन डिपोजिट विथड्रॉ लिमिट ऑफ यानी कि 12 लाख जिसमें दिया गया है मंथली ट्रांजेक्शन इसमें कर सकते हैं बगैर किसी चार्ज का। एटीएम फैसिलिटी के बारे में जानते हैं, नो ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल चार्ज फ्री ट्रांजेक्शन फॉर ऑल एक्सिस बैंक एटीएम फ्री 90 ट्रांजेक्शन फॉर नो एक्सिस बैंक एटीएम ओवर कैश विथड्रॉ लिमिट ऑफ 2 लाख पर डेली फ्रॉम एक्सिस एंड नॉन एक्सिस एटीएम, यानी कि इसमें जो है आपको 2 लाख रुपये डेली आप निकाल सकते हैं।
ओके पर क्लिक करना है दोस्तों। और इसमें आपको यहाँ पर दिया गया है नाउ एक्सिस बैंक ट्रांजेक्शन फैसिलिटी हैज बीन इनेबल, काइंडली अपडेट योर अकाउंट डिटेल्स अंडर एजेंट सर्विस मेनू एंड क्लिक एड एजेंट अकाउंट डिटेल्स। तो दोस्तों आपको इसमें जाना है एजेंट डिटेल्स में, एजेंट डिटेल्स में जाना है और एड एजेंट अकाउंट डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप इसमें जो भी खाता ऐड करना चाहते हैं वो खाता बैंक आप इसमें सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर आईएफएससी कोड डालेंगे, कोड को टाइप करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद दोस्तों अकाउंट टाइप आपका कौन सा है, करेंट अकाउंट है तो करेंट अकाउंट सेट करेंगे। और इसमें दोस्तों कैंसिल चेक पासबुक इमेज जो दिया गया है वो आप कैंसिल चेक को आप इसमें अपलोड करेंगे। दोस्तों मेरा कैंसिल चेक है जो कि 200 केबी से कम का होना चाहिए वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों पैन नंबर, यहां पर पैन कार्ड नंबर डालना है। पैन कार्ड डालने के बाद यहाँ पर पैन कार्ड इमेज आपको डालना होगा। उसके बाद अप्रूवल कमेंट में आप यहाँ पर कुछ नहीं लिख पाएंगे तो इसको आप रहने दें। उसके बाद दोस्तों आपको सबमिट पर क्लिक करना है। योर एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग, आपको इस पर ओके पर क्लिक करना है, यानी कि एप्लीकेशन जो है पेंडिंग में दे दिया गया है। तो आपको क्या करना है, मैं इसमें बने रहिए, मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ बता रहा हूँ। दोस्तों ये सब डालने के बाद आपको इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप पर भेजना है। जैसा कि दोस्तों हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और आपको स्टेट टीम के पास भेजना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।